फिशिंग विलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हालोंग बे फिशिंग विलेज वियतनाम से रूबरू कराएंगे। हालोंग बे हनोई से 70 किलोमीटर दूर वियतनाम के उत्तर पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। चट्टानी संरचनाओं और क्रिस्टल नीले पानी की एक नाटकीय सेटिंग, खाड़ी को विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। यह तीन पारंपरिक तैरते गांवों का घर है जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत के हैं। इन समुदायों में 400 घर शामिल हैं, लगभग 1700 लोग जो हालोंग बे के मुख्य क्षेत्र में नावों और तैरते लकड़ी के घरों में रहते हैं। उनकी मुख्य आजीविका मछली पकड़ना और जलीय कृषि है। परंपरागत रूप से तैरते हुए गांव में प्रत्येक नाव एक अलग घर होती है, हालांकि बेड़ा या नाव हमेशा एक से अधिक कार्य करती है। यह एक घर है, परिवहन का एक साधन है और आय का एक स्रोत है। हालोंग बे में यात्रा करते समय हजारों आगंतुक गांवों को देखते हैं। ग्रामीणों की विशिष्ट पारंपरिक जीवन शैली वियतनामी पहचान का एक अनूठा घटक है। एक एकीकृत सांस्कृतिक परिदृश्य और जीवित परंपरा का निर्माण करते हुए निवासी अपनी सेटिंग से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। पर्यटकों की आमद और इससे जुड़े विकास ने इस जगह को और इसके साथ इन लोगों के सामाजिक और भौतिक संदर्भ को बदल दिया है। आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन और उस पारिस्थितिकी तंत्र में जिस पर गांव फलते फूलते हैं, उनके जीवन के तरीके को सीधे प्रभावित करते हैं। वॉच पर समावेशन इन चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और विरासत संचालित सामुदायिक विकास की रणनीतियों को बढ़ावा देता है, ताकि गांवों को इन परिवर्तनों के अनुकूल बनाया जा सके और एक स्थायी भविष्य का चार्ट तैयार किया जा सके। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे पास 50 से अधिक वीडियो हैं, कृपया देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।